70 वर्षीय एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर इस बात की घोषणा की। अश्विनी वैष्णव ने लिखा, मिथुन दा की उल्लेखनीय सिनेमाई यात्रा हर जनरेशन को प्रेरित करती है। ये घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि दादा साहब फाल्के सिलेक्शन जूरी ने महान अभिनेता श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। मिथुन चक्रवर्ती को ये सम्मान 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाएगा। इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये समारोह अप्रैल में हुआ था और अभिनेता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये सम्मान हासिल हुआ था। बता दें कि कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने काफी संघर्ष के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 1977 में आई फिल्म मिर्गिया से एक्टिंग डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। उनकी यादगार फिल्मों में अग्निपथ, मुझे इंसाफ चाहिए, हमसे है जमाना, पसंद अपनी अपनी, घर एक मंदिर और कसम पैदा करने वाले सहित कई अन्य फिल्में शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और पंजाबी की 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।